सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही शिव बदलने वाला है और ना ही उसे कुछ याद आने वाला है, क्योंकि वो जितना सीरियस लवर था ना, उससे डबल सीरियस सर्वेंट बन गया। और मेरे लिए वो किसी को भी मार सकता है। तुम तो दोनों ही चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी हो, राइट? इसलिए मेरी प्यारी सी एडवाइस मान ही लो। आपका जो आइडिया है वो अच्छा नहीं। सॉरी पापा। धीरे से हौले हौले करो। नानी, आपको तो हाथ भी नहीं लगाया था उसने, फिर हल्दी वाला दूध क्यों पी रही हो? अंतर में चोट लगी है बिटिया, समझती नहीं है। अरे दिल में है बहुत गहरी चोट, बस उसको ही शांत करने के लिए हमें ये पीना पड़ रहा है। किया उसके साथ, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। माँ तो तुम हो ही नहीं, कलंक तो तुम कलंक हो। शिव को जन्म मैंने इसलिए नहीं दिया था ताकि वो मेरी शक्तियां बर्बाद कर दे। रेत पिशाच बनना था मैंने, पर शिव शैतान बनने के बजाय महात्मा बन बैठा। ये शक्तियां मेरी बरसों की तपस्या और मेहनत है। कैसे करेगा कोई कुछ केतु, सबकी हालत तो तू देख रही है ना। एक मिनट, हम बात करते हैं हमारे, ठीक है? बैठो, हम बात करते हैं। मिशन किसी को कोच करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। अरे केतु बेटा, अरे सुन तो केतु। अरे जाने दो उसे, उसे भी मौका दो फैंटम बनने का। और तुम अपना प्यारा हाथ यहाँ लगा, उसका बहुत हो गया, लगा लो आराम से। मेरे भाई की फियांसे हो तुम, पर मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही हो। आई वॉन्डर कि मेरा भाई तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार कर कैसे सकता है? अगर मेरा भाई अभी के अभी बोले ना तो तुम्हारी जान ले लूं मैं। रही बात मेरी शक्तियों की, तो उसकी काबिलियत तुम देख चुकी हो, समझी? I'm sorry. तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्तियां बहुत अच्छी है, हम तुम्हारी शक्तियों की पूजा करेंगे, पर प्लीज प्लीज हमारा हमारा शिव दिला दो, उसको हमें दिला दो, शिव दिला दो प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चुपचाप यहीं खड़े रहो और हमारी बात ध्यान से सुनो। अब तुम सबूत दिखाएंगे हम तुम्हें हमारे प्यार का। शिव तुम बुरे नहीं हो, शिव बस ये जो वफादारी वाला मोड है ना तुम्हारा, ये बहुत हावी हो चुका है तुम्हारे दिमाग पे। वो मोहिनी जो गलत कहानी पढ़ाई है ना तुम्हें, ये फोटोस सब कुछ झूठा साबित कर देगा। इसमें डेट भी है, टाइम भी है, एक बार देख लो शिव, खुद में खुद सब कुछ समझ जाओगे प्लीज। पर दिक्कत क्या है? सिर्फ फोटोज ही देखने को कह रहे हैं ना शिव,
एक बार देख लोगे तो सारा सच झूठ सब तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। प्लीज प्लीज एक बार देख लो ये फोटोज। प्लीज शिव ऐसा मत करो, प्लीज सिर्फ एक नजर डाल के फोटोज देख लो शिव। इससे पहले कि अमर आ जाए एक बार फोटोज देख लो शिव। अमर का नाम लिया और अमर हाजिर। अच्छे से जानता हूं कि तुम दोनों अमर भाई और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, परफेक्ट कपल हो। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज, और ये हरकतें मत करो। छी, बस यही यही कर सकते हो तुम, झूठ बोलना धोखा देना यही आता है तुम्हें, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुम कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ती कहो मेरे सामने, अपने जरा से प्यार को लेके बार बार मेरी शक्तियों और प्यार के सामने खड़ी हो जाती हो, इसीलिए तुम्हें रियलाइज कराना ही पड़ता है कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होगा। प्लीज बाबा, प्लीज हमारे सामने आइए, हमारा साथ दीजिए पापा, बहुत अकेले हो गए। प्लीज पापा, प्लीज कोई हिंट दीजिए कहाँ आप? महादेव प्लीज प्लीज कोई संकेत दीजिए हमारे पापा का है। जल्दी यहां से निकल चलते, ये जगह कतरे से खाली नहीं है बेटा। हमारी बात सुन रहे हो ना तुम? बेटा हमारी तरफ देखो तुम। अनन्या हमारी बात सुन रही हो ना? अनन्या अनन्या हमारी बात, अनन्या 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 आके खोलो। खोल के सुन लो, अगर ज्यादा बाप बनने का शौक चढ़ा तो तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगी कि अपना चेहरा वो अगले 7 जन्मों तक नहीं पहचान पाएगी।
क्या हो रहा है मुझे? मैं नन्या के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? उसकी तरफ इतना क्यों जा रहा हूँ? क्या सच में कोई कनेक्शन है हमारा? तुम्हें हमसे दूर करना चाहती थी क्योंकि वो जलती है हमारी खुशियों से। वो आज भी वही कर रही है शिव, हमसे हमारा सच्चा प्यार दूर करने की कोशिश कर रही है। शिव, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार अनन्या की वजह से हम तुम्हें खो चुके, दोबारा नहीं खोना चाहते शिव। जाने वाली फीलिंग क्यों आती है इससे? शेव, अब अपनी फील के लिए तुम अपने भाई पे शक करोगे? इतना भरोसा नहीं है मुझ पे। बोलो शेव, जवाब दो। यहां शक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि केतकी ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। लड़ाई से लड़ेंगे पापा, हम प्रॉमिस कीजिए। वचन देते तुम्हें बेटा, चाहे कुछ हो जाए हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम करो, हम कुछ खाने को लाते तुम्हारे लिए। नहीं, आराम करो। प्यार नहीं करती, बताओ प्लीज, मेरी बात मान जाओ और ये फालतू की तकलीफ छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी आंख में कभी भी एक आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा खुश रहूंगा। और जब तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे पापा के चेहरे पे भी स्माइल रहेगी, है ना? हमें तुम्हारी इस फालतू की बकवास में ना रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहां से। ओके। और ये बात अपने भाई को कहते हुए भी बहुत खुशी होगी मुझे। ठीक है शिव, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर यही सही। भाई, एक गुड न्यूज है। अनन्या शादी के लिए तैयार है।
आपका इंतजार कर रही है छत पर। सच में? जी। होते हुए इन्हें जरा से भी खरोच नहीं आ सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई या इन पे हमला करने की? बस बहुत सह लिया तुम्हें, अब और नहीं, अब तुम्हें मरना होगा। ठीक कर बैठी, लेकिन तुझे तुझे किसने हक दिया मारने का? जवाब दे भाई, उसने आपको मारने की कोशिश की, बचेगी नहीं आज वो। तू मरेगा।
जा दवाई लगा लिया और हल्दी वाला दूध पी ले। शिव अगर अभी से हार गया तो आगे की जंग कैसे लड़ेगा? एक बात ना तुम याद रखना, तुम चाहे जो कर लो, शिव अगर चला भी गया ना तब भी हमारे प्यार की पवित्रता खत्म नहीं होगी। तुम आज भी हमें नहीं छुपाओगे और कल भी हमें नहीं छुपाओगे। चैलेंज है हमारा। कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं है अपने प्यार को लेकर? हाँ है, क्योंकि ना हमारा प्यार सच्चा है, सच्चा। अच्छा चलो तुम्हारे प्यार का एक और टेस्ट ले ही लेते हैं। देखता हूं कब तक नहीं टूटती तुम। और हाँ, अब जब भी मेरे सामने आओ ये पट्टा पहन के आना। जी भाई। क्योंकि तुम्हारे हिस्से की सजा भी तो उसी को भुगतनी पड़ेगी। तेरा ये सपना ना सपना ही रह जाएगा अगर 21 दिनों के अंदर शिव के गले का वो पट्टा तेरे गले में ना पहनाया ना हमने, तुम्हारा नाम भी अनन्या नहीं है। वरना दोबारा टोकने लायक नहीं बचोगी। चलो दफा यहां से। कैसा है तुम्हारा भी? ठीक है। तुमने दवाई नहीं लगाई, हम लगा दें? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, तुम टेंशन मत लो। अमर भाई ने कहा है कि दवा लगाने की जरूरत नहीं है।
ये क्या हो गया है तुम्हें? काहे अमर की हर बात मानकर अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? कर सकती हो इससे हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम भले अमर को सारी शक्तियां दे दी होंगी लेकिन एक बात याद रखना, हाथ तक नहीं लगा सकता है हमें हाथ। अतीत ना खुद को दोहराता जरूर है। आज से 30 साल पहले जहां तुम खड़ी थी ना, आज उसी जगह पर अमर खड़ा है। हर अगले जन्म में भी बस उसी तरह अमर भी चाहे जो कर ले, शिव और अनन्या के बीच में कभी नहीं आ पाएगा। वो भी रोएगा, तड़पेगा, तरसेगा तुम्हारी तरह, हासिल नहीं कर पाएगा। याद रखना तुम ये बात। वादा है हमारा, सिर्फ 21 दिन है आपके पास। तो अमर इसकी जान ले लेगा और शिव की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अगर शिव की याददाश्त वापस आ गई ना अनन्या, तो अमर इसकी जान ले लेगा और शिव की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है अमर। सिर्फ तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया, देखा
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपनी इतनी इंसल्ट कराने के बाद भी तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया। थैंक यू। यूं हाथ उठा वैसे ही लपक के शिव ने झपाक से हाथ पकड़ लिया। हाँ, कहीं शिव की आकाश वापस तो नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ? वो नहीं पता भाभी जी, बस इतना ही सुन पाए। हाँ, बेवकूफ, आधी अधूरी बात बताकर टेंशन बढ़ा दिया। जाओ यहाँ से। जाए? हाँ जाओ। ठीक है। लेकर आएगी। हर हर महादेव। बेशरम कैसे हो सकती हो तुम? अगर इतनी नफरत है हमसे तो हमें काहे बचाया अमर से? काहे हाथ पकड़े थे उसका? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई तुम जैसी लड़की पर अपना हाथ उठाकर अपना हाथ गंदा करे। तुम जैसी लड़की से शादी करना या फिर प्यार करने से बेहतर है कि इंसान जिंदगी भर सिंगल ही रहे। ऐसा ही झुका रहेगा मेरे सामने, इसीलिए शिव के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और मेरा रिश्ता अपना लो। तुम्हारा रिश्ता मानेगी हमारी ज्योति। दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना, तब भी तुमसे शादी नहीं करेंगे। हम मर भी जाओगे ना, तब भी खुद को हाथ नहीं लगाने देंगे हम।